color, the mellow. Okay. પિક્ચર જોયા બસ એક જ ડાયલોગ એક જ ને એક જ ડાયલોગ એવો કોઈ કાળે થવા દો નહીં એવી કોઈ ડાયલોગ છે યાર હા 50 વર્ષ થઈ ગયા આ ડાયલોગ ને ઠીક છે યાર બહુ કામ પડ્યું છે હજી તો યાર આહા આવી બધું સાફ કરવાનું છે ઓ ઝાડુ બી લગાવવાનું બધું મગજ મારી બધી દુનિયા ભરની મગજ મારી ઠીક છે જે બી કાંઈ છે તો છે હવે આપણે બી શું કરવાનું હોય કામ છે ને તો કરવું તો પડે ને ભાઈલા કરી લે હવે બધું ઠીક જ છે બધું હા सच में कितनी प्यारी जगह है ना या विल हैव फन वाओ हिप्पे पुरे वाओ जूली यार गाना वाला लगा ना कुछ वो जो पहाड़ दिख रहा है उसी के पीछे कितनी प्यारी जगह है कहाँ प्यारा व्यू है ये लो आ गए ओके गाइस अपना अपना लगेज निकालो चलो कम ऑन फास्ट ओके हेलो कोई है हेलो वॉचमैन इधर नहीं बैठ गया अरे कोई है एक्सक्यूज मी यार लगता है कोई है नहीं वो गरीब जगह है तो हेलो अरे वॉचमैन तो कोई नहीं है अरे भाई कोई है लगता है यहां पर कोई है सो रहा है I am Damela. Please come in. Hi, I am Anthony and they are my friends. Yeah, yeah. Please come in. Let's go. ये रहा तुम लोगों का रूम मुझे तो बहुत डर लग रहा है इसकी शक्ल देखकर। ए लंडी तुम्हें जंगल में कोई सलमान या शेफ जैसी शक्ल नहीं मिलेगी बल्कि मेरे जैसी शक्ल ही मिलेगी वो मैंने तुमको नहीं कहा लेकिन मैंने तुमको ही कहा है और ध्यान से सुनो अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो मार्केट पास में ही है ठीक है
हमें जरा चाय मिलेगी, बहुत थक गए। वो तुम्हें बिना बोले ही मिल जाएगी, आप जरा फ्रेश होके बाहर आ जाइए। अरे कमाल का आदमी है। एंटनी तुम्हें कोई और जगह नहीं मिली जो तुम हमें यहाँ ले आए? मेरी तो पूरी गीली हो गई, मेरी तो फटी गई उसको देखकर। अरे कुछ नहीं होगा, तुम डरो मत। इतनी जल्दी तुम लोगों की गांड फट गई? अभी तो 15 दिन तुम लोगों को इधर रहना है। ओह माय गॉड, इससे तो बात करना ही बेकार है। डिमेले तुम जाओ, हम लोग तो आपस में मजाक कर रहे हैं। ये मजाक आपस में ही रखना। बेबो तुम्हें भी जरा सोच समझ कर बोलना चाहिए था। अरे सही तो बोल रही है, कोई भी उसे अचानक देखेगा तो फटके हाथ में आ जाएगी। अरे छोड़ो ना यार, हम लोग आपस में क्यों झगड़ रहे हैं, चल चल के फ्रेश होते हैं। मैं तो जंगल में जाऊंगी फ्रेश होने, बाथरूम में तो रोज होते हैं। अच्छा तो मैं भी आज बाहर ही फ्रेश होता हूँ, तुम्हें तो टिश्यू की जरूरत पड़ेगी, मैं तो पानी से काम चला लूंगा। टिश्यू पेपर की क्या जरूरत है, झाड़ के पत्ते जो मैं तो ऑलरेडी फ्रेश हूँ और मैं तो अपनी ड्रिंक्स एंजॉय करता हूँ। ओके गाइस फटाफट फ्रेश होके गार्डन में आ जाओ, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। जूली पहले तुम फ्रेश हो जाओ, तुम्हें बहुत टाइम लगता है। अरे ओ भाई साहब, हाँ जरा इधर आइए। अभी आया। हाँ बोलिए सर। अरे कुछ चखने के लिए मिलेगा? हाँ मिलेगा सर, चना वगैरह सब मिलेगा। ठीक है लेके आइए। अभी लेके आया। लीजिए सर गर्मा गर्म चना है। ठीक और भी कुछ लगे तो बुला लेना। डिमेलो तो नहीं? तो हो गई फ्रेश? हाँ खुली हवा में फ्रेश होने का मजा ही कुछ और है। और खुली हवा में रोमांस करने से दिमाग एकदम हल्का हो जाता है। सीधे सीधे कहो ना हल्का होना है। क्यों तुम्हें नहीं होना क्या? नहीं होती तो यहाँ खड़ी थोड़ी होती, कभी की चली जाती। I love you.
बंटी 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 कहाँ चला गया? ये लो आ गई। हाय। अरे यार तुमको बड़ा टाइम लगता है फ्रेश होने के लिए। सॉरी यार कभी कभी लेट हो जाता। कभी कभी रोज का यार। Cheers. यार बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया है, लगता है पानी बहुत कम डाला है। अरे तो डाल दे थोड़ा पानी यार। बंटी तुम यहाँ मुझे वहाँ अकेले छोड़ के आ गए। अरे मैं अकेला छोड़ कर आ गया। मैं तो कब से यहाँ बैठा हूँ, और मैं कहा था ना मैं ऑलरेडी फ्रेश हूँ। अरे मैं तो कब से यहाँ बैठ कर अपनी ड्रिंक्स पी रहा हूँ। हाँ हम लोग तो कब से यहीं बैठ कर पी रहे हैं। जा बंटी इसको हाथ धोने होंगे, जा इसके हाथ धुलवा करा। और अच्छे से धुलवाना, साबुन लगा के। कम ऑन यार बंटी, मजाक छोड़ो, मुझे डराओ मत। अभी थोड़ी देर पहले ही तो तुम रोमांटिक बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि खुले आसमान के नीचे प्यार करने का अलग ही मजा होता है, और फिर हमने रोमांस भी तो किया था ना वहाँ पर। यानी मेरा विश्वास करो यार, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कब से यहाँ बैठ के पी रहा हूँ। फिर वो कौन था जिसने मेरे साथ सेक्स किया? मुझे तो लगता है किसी भूत बात ने पकड़ के इसका रेप कर दिया है। Shut up, टीटी। रेप और सेक्स में कितना फर्क होता है ये मुझे पता है। इसका मतलब फुल एक्सपीरियंस है एनी को। चलो एनी छोड़ो, अब ड्रिंक लो और एंजॉय करो यार। अरे एंजॉय तो ये करके आई है, अब तो सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रही है। Shut up यार, तुम लोगों को मजाक लग रहा है या मेरी हालत खराब है? अरे चलो छोड़ो यार, चीयर्स करो, कम ऑन। चीयर्स। क्या हुआ, एक पैक और बनाओ क्या? हाँ यार तुम पैक बनाओ, मैं हाथ मुंह धो के आती हूँ। ठीक है, अब इसको एकदम कड़क पैक बना के देता हूँ। दूसरी ले ले। इसका हाथ मुंह धोना तो नहाने के बराबर है, नहाना किसके बराबर होगा। तो नानी ड्रिंक्स खत्म करो। खत्म हो गया यार। बियर तो ऐसे पी रही है जैसे पानी पी रही है। और मंगाऊं? 5 केन खत्म कर चुकी है। नहीं यार बहुत हो गई है। गाइस 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 चलो अभी खाना खाते हैं। ओके ओके चलो लेट्स गो। चलो कम ऑन। क्यों पीती इतना, जम नहीं जमता तू। गुड नाइट। बाय गाइस। ओके गुड नाइट। बाय गाइस। बाय। गुड नाइट। गुड नाइट। Nah.
बास्केटबॉल खेलते हैं। पास, कम ऑन। हे हे, कम ऑन कम ऑन, पास कम ऑन, पास। ए ए ए, ए वॉच इट, वॉच इट। एंटोनी एंटोनी, पास में पास में, कम ऑन, पास 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 पास। ये ये वॉच, कम ऑन कम ऑन, ये आ आ, ये ए ए, कम ऑन, पास में पास में, कम ऑन, कम ऑन कम ऑन। अरे कवर कर, ये से ले बॉल ले। वाव, यस यस यस, पास 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 पास। ये क्या? लेते हैं, चल चल, कम ऑन कम ऑन। अरे बंटी से लेना है, क्या कर रहे हैं तुम? पास, या यस यस, पास पास। एंटोनी के, या कम ऑन कम ऑन, ले ले मुझे, पास कर, लेना यार। अरे यार, अरे तुझे तो कुछ नहीं आता है। क्या कर रहे हो? कम ऑन पास, ले। अरे यार फिर उसके बाद चला ला बंटी, ला मुझे ला। चलो स्विमिंग करते हैं, कम ऑन गाइस, कम ऑन। तुम्हारा पुत्र माता की गंगा जल नीता गंदा परम पूजा सरम बापू जय जलरम बापा ले जय जिने मेरा। नेहा चलो ना। नहीं नहीं मुझे डर लग रहा है। नहीं मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। नहीं मुझे स्विमिंग नहीं आती। चलो ना यार प्लीज। नहीं नहीं कुछ नहीं होगा यार, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। नहीं यार मुझे डर लग रहा है। अच्छा हट जाओ, हटो हटो सामने से। टीडी टीडी जोर को पकड़, जोर को पकड़, जोर को पकड़। ये ये ला बॉल मुझे दे ला, कम ऑन। ये गया। रुक रुक रुक,
चलो गाइस बाहर निकलो, कम ऑन गाइस, नाश्ता कर लो फटाफट, फास्ट कम ऑन। वाह यार, जिली खाओगे? नहीं ठीक है, जब देखो कुछ ना कुछ मजाक करते रहते हैं। कम ऑन गाइस, हम सबको जंगल जाना है रिसर्च के लिए, मूव फास्ट, कम ऑन, मूव फास्ट, लेट्स गो। गाइस सारी चीजें ले ली, ओके कम ऑन फास्ट, कम ऑन यार। बैठो बैठो, कम ऑन फास्ट यार, ये लो पहुंच गए। अच्छा गाइस सब एक दूसरे के साथ रहना, बहुत भयानक जंगल है, ओके एंड एवरीवन टेक केयर, ओके ओके कम ऑन लेट्स गो, चलो गाइस। कहा था ना ये आदमी ठीक नहीं है, ये हमें यहाँ मारने आया है। लेकिन तुम उस पर शक क्यों कर रही हो? हमने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा और ऐसा कुछ किया भी नहीं है, भला वो हमें क्यों मारेगा? फिर भी हमें उस पर ध्यान देना होगा, अकेली लड़की देखकर वो कुछ भी कर सकता है। अरे जरूरी नहीं कि लड़कियों के साथ ही कुछ हो, लड़कों के साथ भी कुछ भी हो सकता है, क्यूटी ठीक है कि नहीं? अरे तू टेंशन मत ले, अगर वो तेरे पे हाथ डालेगा तो उससे पहले मैं आ जाऊंगा। कमाल घर में ही खाते हैं ना, बाहर क्यों बैठे? क्या बोलता बंटी? क्या जॉनी, इससे पहले कभी किसी ने तेरी इज्जत पे हाथ डाला क्या? हाथ तो नहीं। अब क्या बंटी क्या बात कर रहा है, हाथ क्या कुछ भी नहीं डाला। जाओ चलो फटाफट, चलो चलो कम ऑन गाइस लेट्स गो, हम लोग उधर चलते हैं। Yeah!
एक मिनट होल्ड होल्ड नहीं लाओ दिखाओ जरा वॉचमैन वॉचमैन दरवाजा खोलो कहां मर गया ये चलो उतर के देखते हैं कहां गया ये वॉचमैन ये अभी तो जंगल में था हमसे पहले कैसे पहुंच गया मैन है या सुपरमैन है लेट्स गो हे नाइस लोकेशन है कूल साथ अच्छे से रहना होगा खाने पीने में भी हमें इसकी मदद करनी होगी क्यों नहीं हाँ जूली तुम जैसे बोलोगे हम वैसे ही करेंगे मेरी तो हालत ऐसी हो रही है कि क्या बताऊं अरे यार आज के बाद हम खुद अपना खाना वाना बनाया करेंगे ये भी ठीक है तुझे प्रैक्टिस भी हो जाएगी और शादी के बाद कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और मेरा होटल का बिल भी बच जाएगा कम ऑन गाइस मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद ऐसी जाहिलों जैसी बातें कर रहे हो बगैर गलती के कोई किसी को हाथ तक नहीं लगाता और तुम लोग मरने मारने की बातें कर रहे अरे एंथोनी एक बात बता हम तो पढ़े लिखे ना यार लेकिन वो तो जाहिल है उसका क्या इसीलिए तो कह रही हूँ अब हम उसके ज्यादा मुंह लगेंगे नहीं ठीक है बाबा ठीक है तुम लोगों को जो करना है वो करो आई डोंट केयर हेलो ओके ठीक है मैं अभी आ रही हूँ ओके फ्रेंड्स मुझे जाना होगा अचानक लेकिन हुआ क्या है मुझे भी नहीं पता यार मम्मी ने बुलाया है ठीक है बाय जो भी बोला मैंने लगा दिया और भी कुछ लगे तो आवाज दे दो ठीक है मैं चलता हूं लो गाइस अपना ड्रिंक लो ले ले थैंक यू ओके गाइस चीयर्स चीयर्स गाइस 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 चलो अंतरराष्ट्रीय खेलेंगे कल तुमने हमें हराया था आज हम तुम्हें हराएंगे ओके डन पहले ये तो बताओ शर्त क्या होगी जो हम बोलेंगे वो तुम्हें करना ही होगा चाहे हम जीते या तुम जीतो बात हमारी माननी होगी अच्छा? अरे यार ये तो बात सरासर गलत है क्यों भाई लोग हाँ, भाई। चट भी तुम्हारी और पट भी तुम्हारी क्या फर्क पड़ता है खरबूजा चाकू पे गिरे
या चाकू खरबूजे पे? कटता तो खरबूजा ही है। बिल्कुल सही। ओके डन, हम स्टार्ट करते हैं। ये किसकी है आहट, ये किसका है साया, हुई दिल में दस्तक, यहाँ कौन आया? It's your turn. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. क्यों शोर मचा रहे हो इतनी रात को? हम का शोर मचा रहे हैं?
हम तो अंताक्षरी खेल रहे हैं। बंद करो, ये कोई वक्त है शोर शराबा करने का? सॉरी मैडम, अब नहीं होगा। अरे किस बात के लिए सॉरी? ये कौन होती है हमें चुप कराने वाली? यही हमारी टीचर है? चुप, ज्यादा चिल्ला कर बात मत कर मुझसे। क्या करेगी हम? बता क्या करेगी तू? हाँ अरे छोड़ो ना यार, तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो? समझा दे इसको, तमीज से बात करे वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ए नहीं तो तू क्या कर रही है? छेनाल पिंकी, कब से देख रही हूँ, बोले जा रही। बेबू तू हट, मैं देखती हूँ इसे, कब से इसका मूड चल रहा है। ए तू समझती क्या है अपने आप को? ए बदतमीज लड़की, जुबान को लगाम दे वरना अभी खड़ी खड़ी यही चिर डालूंगी। तू मुझे चिरेगी? तेरी तो, इधर आ तो जरा। तेरे को तो मैं नहीं छोड़ूंगी, देख लूंगी तुझे। अबे जा, तेरी तो, तू क्या देखेगी मुझे? इधर आ, मैं ही दिखाती हूँ, तेरे से तो अच्छी है मेरी। I say stop it, this nonsense, stop it, please, चुप करो तुम लोग, क्यों झगड़ा बढ़ा रहे हो? तेरी तो मुझे आँख दिखाती है, आँखें निकाल दूंगी कमीनी कहीं की। प्लीज मैडम आप जाइए, शांत हो जाइए। प्लीज आप जाइए। इस कमीनी को तो मैं नहीं छोड़ूंगी, वो डिमेलो को जाके पूछते ये कौन से कमरे में रहते हैं। ओ कम ऑन एनी, रिलैक्स यार, क्यों इतना ज्यादा टेंशन ले रही हो? और वैसे भी इतना ज्यादा गर्म होने की कोई जरूरत नहीं। चलो सब खाना खाते हैं और सो जाते हैं, लेट्स गो। पूरे मूड की माँ बहने कर, चलो चलो छोड़ो यार, चलो चलो यार, चलो। जितनी पी थी सब उतर गए। फालतू में इतने गुस्सा हो रही थी यार। किधर बाहर निकल तू कमीनी? मुझे कहा था ना चिल्लाना मत, मुझे शोर शराबा पसंद नहीं है। आज मैं तुझे ऐसी जगह पे पहुंचा दूंगी जहाँ तुझे कोई डिस्टर्ब ही ना करे। तो तू ऐसे नहीं मारेगी? अरे एनी को देखा क्या? वो अपने रूम में नहीं है। अरे तो इतना टेंशन क्यों ले रहा है यार, इधर ही किधर होगी, आ जाएगी। बंटी तो ऐसे चिल्ला रहा है जैसे पता नहीं बहुत बड़ी मुसीबत आ गई हो। अरे टेंशन तो होगी ना, वो कहीं मिल नहीं रही है। यार वहाँ भी नहीं, शायद स्विमिंग पूल पे गई हो या शायद कहीं मॉर्निंग वॉक के लिए गई हो। ठीक है चलो चल के ढूंढते हैं। चलो यार चलते हैं। वो तुम लोग इधर देखो, एंथोनी तुम लोग इधर देखो और मैं इधर देखती हूँ। हाँ, चल के देखते हैं। हनी 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 हनी
एनी, वेयर आर यू एनी? ये देखो यहाँ बैठे हैं। यार यहाँ बैठे लगता है इसका गुस्सा उतरा नहीं अभी तक। पता नहीं। एनी एनी एनी, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, एनी, ओ शिट, माय गॉड, ओ माय गॉड, एनी एनी क्या हुआ तुम्हें? एनी एनी क्या हुआ? उठो एनी, उठो एनी, एनी उठ, क्या हुआ तुम्हें? उठो। अरे यार ये किसने किया होगा? मुझे तो उस रात वाली लड़की पर शक हो रहा है। अरे हाँ, मुझे उसकी बातों से यही लग रहा था। बिना किसी सबूत के हम किसी पर कोई इल्जाम नहीं लगा सकते। पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। पुलिस को इन्फॉर्म करके क्या होगा? तुम ही लोग फंसोगे। और ये भी तो हो सकता है कि ये खून तुम ही लोगों ने किया हो। यू बास्टर्ड, क्या बोला? हम में से किसी ने किया होगा? मुझे तो तेरा पैसा खो रहा है, तूने किया होगा। पुलिस को बुलाते हैं, अभी पता चल जाएगा खून किसने किया। चल छोड़, दोबारा गिरेबान पकड़ने की कोशिश मत करना वरना सर दर्द से अलग कर दूंगा। यू अंडरस्टैंड? कम ऑन बंटी, अभी छोड़ इसको, चल के पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। लेट्स गो। पुलिस कब बुलाएंगे अभी ये लौंडे? हेलो सर, आई एम एंथनी और ये मेरे फ्रेंड्स हैं। हम लोग यहाँ रिसर्च करने के लिए आए थे, मगर कल रात को हमारी एक फ्रेंड का खून हो गया है। खून? व्हाट? यस सर। कहाँ हुआ ये खून? सर यहीं पास में सेंट हाउस में। हवलदार, यस सर, गाड़ी निकालो। आइए इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए। डेड बॉडी किधर है? ये यहाँ पर है, देखिए। यही भी थी सर, हम तो सीधे आपके पास आते डायरेक्ट बताने के लिए। ओहो, यहीं पर थी तो जमीन निकल गई, आसमान में उड़ गई। सर हम सच कह रहे हैं, लाश यहीं पर थी। देखिए मिस्टर रामथोनी, इस तरह पुलिस से मजाक करना अच्छा नहीं। सर हम कोई बच्चे नहीं है जो आपसे इस तरीके का मजाक करेंगे। सर हम अभी भी लाश देखकर आप ही के पास आए। और कौन कौन रहता है यहाँ पर? सर हमारे सिवा यहाँ पर डीमेलो रहता है जो यहाँ का केयर टेकर है। गुड मॉर्निंग सर, मैं ही हूँ डीमेलो। अच्छा तो तुम हो? जी। इनके अलावा और कौन कौन रहता है यहाँ पर? इनके अलावा इधर और कोई नहीं रहता। सर आप इससे पूछिए, ये एनी का खून किसने किया है? किस बेस पर पूछूं इससे? अगर लाश होती तो उसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चल जाता कि मर्डर कैसे हुआ है, उसी के आधार पर पूछताछ होती। शायद वो पता है लाश उसमें गायब की हो। ए, 4 फुट 2 इंच औकात मेरा। देखिए शायद हो सकता है, मगर हम शायद के भरोसे पर किसी को परेशान नहीं कर सकते। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, शायद तुम में भी से तो कोई एक हो सकता है। सर वो हमारी बेस्ट फ्रेंड थी, भला हम उसका खून क्यों करेंगे? मिस्टर एंथनी, इसलिए मैंने कहा था ना कि शायद हो सकता है, और तुम लोगों के अलावा यहाँ पर और तो कोई है नहीं, इसलिए
शक तो तुम लोगों पर भी जाएगा ना। और अच्छा ये बताओ, कल रात उसके साथ किसी का झगड़ा वगैरह किसी के साथ हुआ था क्या? नहीं सर, किसी के साथ नहीं, हम लोग सभी आपस में मस्ती कर रहे थे। हाँ सर याद आया, रात को एक लड़की आई थी, जब हम लोग सब अंताक्षरी खेल रहे थे उससे हमारा झगड़ा हुआ था। कौन सी लड़की, कहाँ है वो? सर हमें नहीं पता, डिमेलो को पता होगा, हम लोग तो कल ही आए यहाँ पर, हम तो नए हैं। डिमेलो कौन लड़की है वो और कहाँ रहती है? कौन सी लड़की, मैंने कोई लड़की नहीं देखी इनके अलावा यहाँ। डिमेलो मैं उस लड़की की बात कर रहा हूँ जो कल रात को यहाँ आई थी और जिससे हमारी थोड़ी सी झड़प हुई थी। झड़प तुम्हारी हुई है, मुझे क्या मालूम? ये कमीना झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर साहब, मैं इसका खून पी जाऊंगा। अरे अरे छोड़ो इसे, वरना मारपीट के जुर्म में तुम्हें अंदर कर दूंगा। सर पूछिए इससे कल वो रात वाली लड़की कौन थी, ये सब इसी की चाल है। रिलैक्स बंटी रिलैक्स, इंस्पेक्टर साहब है ना, अब जो कुछ भी करेंगे यही करेंगे, अब सब इन पे छोड़ दो। डिमेलो जी तुम मेरे साथ चलो। चलिए तुमसे कुछ पूछताछ करनी है। देखता क्या है कमीने, मैं तेरी आंखें निकाल लूंगा। वापस आके तेरे को तो देखता हूँ कौन किसकी आंखें निकालता है। अरे जा वरना तेरी तो अभी। बंटी रिलैक्स 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 बंटी, इंस्पेक्टर साहब है ना सब देख लेंगे। लेकिन मुझे ये सस्पेंस समझ में नहीं आ रहा कि डिमेलो उस लड़की के बारे में पुलिस से क्यों छुपा रहा था। इसमें सस्पेंस की क्या बात है, सीधी सी बात है, दोनों की मिलीभगत होगी, जब पुलिस की मार पड़ेगी ना तो देखना सारा सच सामने आ जाएगा। अगर तुम कहते हो कि तुमने भी वो लाश देखी है तो लाश गायब कहाँ हो गई? हाँ यही तो मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा चलो छोड़ो, इनके नाम और एड्रेस तो तुम्हारे पास होंगे? जी इनकी बुकिंग हमारे हेड ऑफिस में होती है, वहाँ इनका रिकॉर्ड 100% होगा। लेकिन मुझे इस बात पे शक हो रहा है कि अगर खून उन दोनों ने किया तो फिर लाश पूरी रात वहां क्या कर रही थी, वो तो लाश को कभी भी गायब कर सकते थे। एंथोनी करेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू, इस पॉइंट ऑफ व्यू पे हमें गौर करना चाहिए। मैं तो पहले से ही कह रही थी यार कि ये आदमी ठीक नहीं लग रहा है। अरे तो हमने उसके साथ क्या गलत किया यार, इतने अच्छे से तो पेश आ रहे हैं, अब इससे ज्यादा क्या करें यार। चलो जितना जल्दी हो सकता है हम अपना काम खत्म करते हैं और यहाँ से निकल चलते हैं। चलो यार चलो, तुम लोगों को जाना हो तो जाओ, लेकिन मैं उस कमीने को सजा दिला के ही जाऊंगा। अरे पागल पर मत कर यार, चलो खाना खाते हैं। एंथोनी मुझे तो उस रात वाली लड़की पर ना ज्यादा शक हो रहा है। अरे यार इतनी छोटी सी बात पर कोई थोड़ी ही किसी का खून करेगा। लेकिन वो किस बात पर नाराज थी, पढ़ने दो डिस्टर्ब मत करो, पढ़ने दो। एक काम करते हैं हम लोग कल की तरह फिर से अंताक्षरी खेलते हैं, देखते हैं वो आती है या नहीं। अगर वो आ गई तो जिंदा वापस नहीं जाएगी। बंटी पागलों जैसी बात मत कर यार, हम किसी पे डायरेक्ट इल्जाम नहीं लगा सकते और वैसे भी हमने पुलिस में कंप्लेन कर रखी है। इस मामले को जितना प्यार से सॉल्व कर सके उतना प्यार से सॉल्व करना पड़ेगा। बंटी गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं है, उल्टा अपना ही नुकसान है। प्यार में वो ताकत है जो पत्थर को पिघला सकती है। जूली किस पत्थर की बात कर रही हो, ये तो अभी तक पिघला नहीं। टीटी तेरी तो बस भी कर पिघल ही जाएगा, आज नहीं तो कल पचके कहाँ जाएगा। साहब जी खाना लगा दिया है, आ जाए वरना ठंडा हो जाएगा, फिर ना कहना ठंडा हो गया, मैं जा रहा हूँ। Okay. चलो यार बहुत भूख लगी है। चलो यार। ओके अगर लाश का कुछ पता चले तो फौरन मुझे बताना और तब तक इन्हें यहाँ से जाने मत देना, समझ गए? मैं चलता हूँ। ओके सर। ये डमेलो के जाल से बच्चू बच के कहाँ जाएंगे? अरे बंटी ले ना यार, देख हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं और वैसे भी होनी को कौन टाल सकता है। कम ऑन यार चीयर अप, ले ले।
तुम इस तरह से बैठोगे तो हमारे गले से निवाला उतरेगा क्या? ये लो खाओ, ये लो बाबा खाओ ना, अरे खाओ ना, अरे खाओ ना बंटी। खा बच्चू खा, इतने प्यार से खिला रही है, ये उंगलियां मत खा जाना। शराब टीटी, क्या बकवास कर रहे हो तुम? सही बात कितनी बुरी लगती है, कोई चक्कर उक्कर तो नहीं चल रहा तुम दोनों का? टीटी, माइंड योर लैंग्वेज। अच्छा तो आग इधर भी बराबर की लगी हुई है। टीटी बस भी करो यार। खिला तू भी खिला। अभी क्या बकवास कर रहा है? अबे तेरी तुम बाकी सारे छोड़ दो गाइस। मीना पे सुना क्यों लग रही है तुम लोग यार? अरे छोड़ना यार छोड़ना। अभी तेरे को छोड़ूंगा नहीं। छोड़ इसे, छोड़ना यार। कम ऑन गाइस, मीना पे सुना। नहीं छोड़ूंगा मैं। टीटी तुम इतनी छोटी सोच के निकलोगे, मैंने सपने भी नहीं सोचा था। चुप बैठ तू। तू चल वापस, मैं तुझे बताता हूँ। भौंकने वाले कुत्ते काटा नहीं करते, अगर अपनी माँ की असली औलाद है तो आ जा। इसको समझा दे वरना अभी ने मेरे हाथों से मारा जाएगा। ये लौंडी मुझे समझाएगी कमीनी? तुझे तो मैं समझाऊंगा, इस बेवफाई का मतलब क्या होता है। टीटी चुप भी करो यार, बस तुम लोगों ने इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया। एंथोनी तुम बंटी को यहाँ से अंदर लेके जाओ। चल बंटी अंदर। चलो बंटी, यहाँ रहोगे तो झगड़ा और बढ़ेगा, चलो अंदर। ले जा इस बच्चे को, ले जा अंदर और छुपा ले अपनी गोद में। तेरी तो मदर, छोड़ना यार। तेरी तो छोड़ना नहीं। कम ऑन यार, छोड़ना यार। चल मुनी तुझे बंटी, चल चलो अंदर। चल तुझे तो देख लूंगा। ये खाना किसने गिराया है? वो साहब लोगों ने, उनका आपस में झगड़ा हुआ और बात मारा मारी तक पहुंच गई। आजकल के लंडन में कुछ ज्यादा ही गर्मी है, किस बात पे झगड़ा हुआ था? वो लड़की उस लड़के को खाना खिला रही थी, इसलिए। अरे लड़कियों के चक्कर में तो रामायण महाभारत जैसे युद्ध हुए थे। ये आजकल की मारा मारी क्या चीज है, ये गोरी चमड़ी चीज ही ऐसी है। चल तू मेरे लिए चाय नाश्ते का प्रबंध कर। अभिलाष जुली तुम इसे संभालो, मैं बंटी को लेकर अंदर जाता हूँ। ओके चल बंटी। मैं यहाँ अब एक पल भी नहीं रुकूंगी, वापस चली जाऊंगी। पागलपन के जैसी बातें मत कर बेबो, अभी थोड़ा गुस्सा है, जब गुस्सा उतर जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा यार, उसने सबके सामने मेरी इज्जत की माँ बहन कर दी, पागल कहीं का। लेकिन तुम्हें भी क्या जरूरत थी टीटी के सामने उसे खाना खिलाने की? खा लेता यार जब उसे भूख लगती तो। और कोई भी बॉयफ्रेंड ये नहीं चाहेगा कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके सामने किसी और को खाना खिलाए यार, सरासर तुम्हारी गलती है बेबो। अरे यार सबके सामने खिलाया है, अकेले में तो नहीं खिलाया ना, अगर ऐसा कुछ होता तो मैं उसे अकेले में खिलाती। छोड़ बेबो, देख इंसान से कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है जबकि वो नहीं चाहते हुए भी, और वही तेरे साथ हुआ। लेकिन एक बात याद रखना बेबू, जिंदगी में जो भी कुछ होता है ना अच्छे के लिए होता है। चल अब उठ और अपना मूड चेंज कर, चल मेरे साथ। इस कमीने को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, और साथ में उस बेबो को भी। कहाँ जा रहे हैं? नदी पे जा रहा हूँ कपड़े धोने। अरे चल बैग रख और गुस्सा थूक दे, शांत भी हो जा। धोनी जाने दे मुझे, मैं यहाँ रहा तो पता नहीं मेरे हाथों से उन दोनों में से किसी एक का गेम हो जाएगा। टीटी मेरी बात नहीं सुन रही है तेरी बात। अरे रुकना यार, दो चार दिन की बात है, फिर साथ में चलेंगे ना हम सब लोग। नहीं जाना तुम्हारे साथ। अरे टीटी यार। अरे टीटी रुकना यार। टीटी स्टॉप इट यार। अरे दो चार दिन की बात है, फिर साथ में चलेंगे। टीटी व्हाट इज दिस यार, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? तुम कौन होते हो मुझे पूछने वाले? इस वक्त मैं तुम सबका बाप हूँ, और जब तक उस खूनी का पता नहीं लग जाता तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, और इस इंस्पेक्टर का ऑर्डर भी है। ओ शिट, इसकी तो ये ले जॉन, बैग उठा, तू चल मेरे साथ अंदर। चल तुझे भी देखता हूँ। मुझसे बच के जाना चाहते हैं कमीने मेंढक। हेलो इंस्पेक्टर, हेलो। हमने इतना बोला
तो नहीं माना, उसके एक ही बार बोलने से फट गई। अरे छोड़ना जॉनी यार, चल टिटी मार्केट चल के आता है, किसी को सरप्राइज देना है। सरप्राइज? कैसे देना है सरप्राइज? शाम को बताता हूँ, तू पहले अपना मूड चेंज कर और ये कपड़े भी चेंज कर। चल चल, तेरे को क्या SMS भेजू क्या? अरे नहीं यार, चल रहा हूँ ना। बस अबे ठीक से पकड़ना, तू भी उन लौंडियों के चक्कर में पागल हो चुका है। मेलो कहाँ गए वो लोग, बुलाओ उनको। ए कृष्णा, बुला जरा उन सब को। कहाँ वो लोग? और दो कप चाय बनाना अच्छे से। अभी लाता हूँ। हाँ डिमोलो, क्या कर रहे थे तुम कल? यहाँ किसका और किसके साथ झगड़ा हो रहा था? अरे कुछ बात नहीं साहब, ये आपस में लौंडियों के चक्कर में ही झगड़ पड़े। अरे छोड़िए साहब, आइए आप वहाँ बैठते हैं, तब तक चाय आती है। चलिए बैठिए सर। पता नहीं यार क्या चल रहा है। मैडम आप सभी लोगों को इंस्पेक्टर साहब ने बाहर बुलाया। हमको? अब हमने क्या किया है? वो तो उनसे मिलके ही पता चलेगा। तुम जाओ, हम आते हैं। ठीक है, चला जल्दी आना। ठीक है चलो, चल के देखते हैं। अरे गाड़ी कहाँ गई? एंटोनी कहाँ गया? कहाँ चले गए ये सब के सर? कहाँ चले गए? रुको मैं फोन करके पूछती हूँ कहाँ गए वो लोग। पूछो पूछो जल्दी। देख किसका फोन है? जूली का फोन। हाँ जूली बोलो। एंटोनी कहाँ हो तुम लोग? वो इंस्पेक्टर यहाँ आया हुआ है और हम सब लोगों को बुला रहा है। मैं अभी आता हूँ, तुम उनको रोक के रखो, हम लोग अभी आ रहे हैं। अरे कम से कम बता के तो जाना चाहिए। अरे कुछ अर्जेंट काम था यार। कहाँ हो तुम लोग? हम लोग मार्केट आए थे कुछ सामान लेने। ठीक है जल्दी आओ। टीटी और जॉन कहाँ है? वो भी मेरे साथ ही है। ठीक है हम लोग आ रहे हैं। ओके बाय। ओके बाय। अरे वो तीनों मार्केट गए हैं, चलो तब तक हम बात करते हैं। ओके चलो। नमस्ते सर। हेलो सर। नमस्ते नमस्ते। बाकी लोग कहाँ? सर वो लोग मार्केट गए हैं कुछ सामान लाने के लिए। मार्केट ही गए ना, कहीं भाग तो नहीं गए? नहीं सर, वो भागेंगे क्यों, बस आते ही होंगे। मुझे कुछ ऐसी खबर मिली है कि तुम लोगों में से कोई एक भाग जाना चाहता है। मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ, जब तक खूनी का पता नहीं चल जाता तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। अंडरस्टैंड? जी सर। जी सर। डिमेलो तुम इन पर नजर रखना, अगर ये कुछ गड़बड़ करें तो फौरन मुझे फोन कर देना। ओके ओके सर। ए तुम लोग भी यहाँ से फूटो। कृष्णा। हाँ साहब। ये जाकर फ्रिज में रख दो। हाँ ठीक है, संभाल के रखना। ओके ठीक है। हम लोग तो फालतू में ही फंस गए यहाँ पे, ऊपर से इंस्पेक्टर परेशान करते रहते हैं। जुली क्या कहा इंस्पेक्टर साहब ने? वही कि जब तक खूनी का पता नहीं चल जाता तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। ये क्या बकवास है? तुम लोग टेंशन मत लो यार, हम लोग यहाँ पर जिस काम के लिए आए हैं पहले वो काम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। एक काम करो, तुम लोग सब फ्रेश होके गार्डन में मिलो। चलो चलो चलो, कम ऑन मूव फास्ट। चलो चलो। कम अबे क्या कर रहा था इसके साथ? आज तो साहब लोगों की जोरदार पार्टी लगती है, फिर तो आज अपना भी कुछ भला हो जाएगा। अरे एंथनी क्या बात है, इतनी सारी ड्रिंक्स क्यों मंगवाई है? वेट गाइस वेट, अभी पता चल जाएगा। सरप्राइज! ओह एंथनी मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आई लव यू। सरप्राइज बताई नहीं, दी जाती है जाने बन। ओह यू आर सो स्वीट। मस्त पार्टी करेंगे। आई लव यू। आई लव यू नाइट। चलो अब फटाफट केक काटो, बहुत प्यास लग रही है और बहुत भूख भी लग रही है। ओके
ओके कम ऑन कम ऑन. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर जूली, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू. अरे हमें भी खिलाना. थैंक यू. हैप्पी बर्थडे जूली. तुम भी केक तो बहुत टेस्टी. थैंक यू. थैंक्स एंथनी. सरप्राइज बर्थडे मनाने का कुछ अलग ही मजा होता है. थैंक यू. एनीथिंग फॉर यू डार्लिंग. थैंक यू. चलो लेते हैं यार. लो ना सब लोग लो. Cheers, cheers guys. Cheers, cheers. Cheers. पीने के बाद चेस कर रहे हो यार. चलो डांस करते हैं यार. लेट्स गो टू गाइस. चलो लेट्स डांस. चलो डांस करते हैं यार. फुल एंजॉय करते हैं यार. See the flow now. 2006 down to face. We're gonna fight till we drop. Take this or break. Chop it up. That's me. शराबा पसंद नहीं है. ए, कौन हो तुम? तेरी माँ. मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बचाओ बचाओ एंटोनी.
इन लोगों का कोई भरोसा नहीं, फिर अपन क्यों भूखा मरे? अपन तो अपना खाना खा लेवे। साहब लोग जब से आए तब से उनका यही रामायण है। ए कृष्णा, ए कृष्णा, सुनता नहीं है क्या? खाना भी नसीब में नहीं यार, कसम से बहुत आगे पीछे। ए कृष्णा, ए कहाँ मर गया रे कृष्णा का बच्चा? आया साहब, आया। हाँ जी साहब। अरे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे यार। अभी ला। लोगों ने खाना खाया कि नहीं? नहीं, अभी तक तो पी रहे, वहाँ पार्टी चल रही है। अरे तू खाना खा ले, जब ये लोग भूखे मरेंगे तो खुद ही खा लेंगे इनकी माँ की आग। तू खा ले खाना। ठीक है साहब। भगवान, आज तो हैरान हो गया यार, ये नौकरी से भी परेशान हूँ। डिमोलो साहब भी यार कभी खाते समय बुला लेता है, कभी नाते समय बुला लेता है, जब देखो तब परेशान करते रहता है। खाना भी ठंडा हो चुका है यार। चलो ठीक है, दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। कहाँ गया था यार? इतनी देर लगा दी? दो नंबर गया था यार, पेट में कुछ गड़बड़ हो रही थी। ले चनमार, लाना यार। ठीक है चलो खाना खाते हैं। बंटी का है? तेरे साथ गया था ना? नहीं नहीं, मैं तो अकेला ही गया था, पड़ा होगा कहीं पी के। जानी जरा देख, आवाज दे उसे। बंटे बंटे बंटे, चलो ना हम लोग चलते हैं खाना खाने, बहुत भूख लगी है यार। हाँ ठीक है चलते हैं। चलो एक मिनट, तू देख जरा, देख बंटी को, बाथरूम में पड़ा होगा पी के। ठीक है मैं देखता हूँ, तुम लोग जाओ। अबे क्या हुआ, क्यों ऐसे भाग रहा है? वो बंटी को किसी ने मार दिया है। What? What? Hell. Shit! चलो लैंग्वेज। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मुझे कुछ करना होता तो तुम सबके सामने करता, यूं पीठ पीछे से वार नहीं करता, समझी तू? जब बंटी बाथरूम गया तुम उसके पीछे गए थे, हम सब लोग तो यहाँ पे नाच रहे थे, तो फिर खून किसने किया? जॉनी कमीने, तू ज्यादा शाला बनना तेरी। बस बस टीटी बस, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। एंथोनी, मैंने कोई हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी है। बस भी करो टीटी, अब तुमसे देख रहे हो तुम कुछ ज्यादा ही दादागिरी दिखा रहे हो, यू बास्टर्ड। तेरी तो दो टके की लौटी मुझे गाली देती है, मुझ पे हाथ उठाता तेरी तो। स्टॉप इट, क्यों इतनी रात तक चला रहे हो? कुछ नहीं डिमेलो, किसी ने हमारे दोस्त बंटी का कत्ल कर दिया है, ये देखो। ओ माय गॉड, इसका तो किसी ने सिर ही धड़ से अलग कर दिया, ये जरूर किसी ताकतवर का काम है, वरना सिर धड़ से अलग करना कोई मामूली बात नहीं है। पहले अनी का, फिर बंटी का, पता नहीं जाने आगे क्या होगा। एंथोनी, अब हम यहाँ पर एक पल भी नहीं रुकेंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे। हेलो, आओ इंस्पेक्टर।
डॉक्टर साहब आ रहे हैं। उनकी मार से तो बड़े बड़े गूंगे भी तोते की तरह बोलने लग जाते हैं। चलो प्रोफेसर, व्हाट आर यू डूइंग हियर? कुछ नहीं इंस्पेक्टर, बस ऐसे ही कुछ पुरानी बात याद आ गई थी। अब आप जाइए यहाँ से। बट व्हाई? जहाँ खून हो गया है, बिना वजह आप किसी परेशानी में पड़ जाएंगे। ओह माय गॉड, थैंक यू इंस्पेक्टर, आई एम गोइंग नाउ। ओके, अब आप जाइए। आइए इंस्पेक्टर साहब। मैंने अपनी आंखों से देखा साहब, और ऑन द स्पॉट मैंने आपको फोन किया। तो फिर लाश कहाँ गायब हो गई? तुम लोग सभी साथ में थे? यस सर, अभी हम लोग बाहर आकर बैठे ही थे कि आप आ गए। सर सर, अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ और लाश गायब। डिमेलो, इस एरिया में कभी कोई जंगली जानवर वगैरह भी आता क्या? यस सर, वो कभी कभी गर्मी में रात को पीछे नदी में पानी पीने आते हैं, तभी उनकी आवाजें सुनाई देती हैं। हो ना हो, ये किसी जंगली जानवर का ही काम लगता है। लेकिन सर, शेर अपना शिकार खुद करके खाता है, वो भला मरे हुए को क्यों लेकर जाएगा? जरूरी नहीं कि शेर ही हो, कोई और भी जानवर हो सकता है। तो फिर कातिल कौन है, इसका कैसे पता चलेगा? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि आखिर खूनी कौन है। ये पता लगाना आपका काम है सर, हम लोगों का नहीं। हम लोग यहाँ पे अब और नहीं रुकेंगे, कल सुबह होते ही चले जाएंगे। मैडम, कानून सबूतों पे चलता है। अगर मैं कहूँ कि तुम में से खूनी कोई एक है, तो तुम क्या जवाब दोगी? क्या सबूत है तुम्हारे पास? जवाब दो, किस बेस पर इंक्वायरी करें, किस पर हम इल्जाम लगाएं, बताइए। तो फिर हमें कितने दिन यहाँ और रुकना पड़ेगा? एक काम करो, तुम लाश को ढूंढ निकालो, मैं कातिल को ढूंढ निकालूंगा, फिर तुम जा सकते हो। ठीक है, हम सारी रात जाकर उन लाशों को ढूंढ निकालेंगे। बेबो, क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो यार? ठीक है, मैं चलता हूँ। जब कोई सुराग मिल जाए तो मुझे इतला कर देना। गुड बाय एवरीबॉडी। डिमेलो, तुम चलो मेरे साथ। लेकिन सर, हम सर हमारी बातों से शिट। चलो चल के सोते हैं, कल सुबह देखते हैं क्या करना है। मुझे तो शक उस टिमेलो पे ही हो रहा है, कहीं वही मार के लाश गायब तो नहीं कर रहा। जब से लेके अभी तक तो टिमेलो हमारे साथ ही था, तो फिर वो ऐसा कैसे कर सकता है? तुम लोग यार कुछ भी बोलते रहते हो बस। अरे यार, और भी तो आदमी होंगे ना उसके यहाँ पे, इन सब की प्लानिंग होगी। क्यों ना हम पूरा फार्म हाउस छान मारे, कहीं तो लाशों को छुपाया होगा। हाँ ठीक है, आखिर कुछ तो पता चलेगी सस्पेंस क्या है, वरना फालतू में यहाँ रुकना पड़ेगा। ठीक है बाबा, तुम लोगों को ढूंढना है तो ढूंढो, मुझे तो बहुत नींद आ रही है और मेरा सर भी बहुत दर्द हो रहा है, मैं तो सोने जा रही हूँ। ठीक है, तुम जाकर सो जाओ, हम लोग देख कर आते हैं। गुड नाइट। चलो गाइस देखते हैं। चलो जॉन, तो इस तरफ देख, मगर बिल्कुल चुपचाप, जरा सी भी आहट नहीं होनी चाहिए। ठीक है। टीटी, तो उस तरफ देख, और मैं इस तरफ देखता हूँ, और जैसे ही कुछ पता चले तुम लोग फौरन मुझे आवाज देना, ठीक है? ओके 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 एंटोनी, आज इस सस्पेंस से पर्दा उठा के ही रहेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट गाइस। ओके, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।
ये लफड़ा कब से चल रहा है तेरे और उस बंटी के बीच? कितनी बार कहा है दीदी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और प्लीज आज की बात तुम मुझसे ऐसी बातें नहीं करोगे, समझे? तो फिर ठीक है, आज ही बता दे उसने तेरी कितनी बार मुझ पे हाथ उठाती है। बचाओ, है टोनी, जो, टोनी, एंटनी, जीडी, बचाओ। कौन है वहां पर? बोलता क्यों नहीं? हेलो, कौन हो तुम और क्या कर रहे हो यहां पर? बोलते क्यों नहीं? हेलो, कौन हो तुम और क्या कर रहे हो यहां पर इतनी रात को? अरे छोटी बेटी, तुम यहाँ पर? अंकल, आप और यहाँ पर इस हालत में? जुली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो सोने गई थी ना, और ये कौन है? एंथोनी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी कमरे में, तभी मेरी नजर खिड़की से इन पर पड़ी। ये मेरे अंकल हैं। हेलो अंकल। हेलो। लेकिन जुली, तुमने तो कहा था तुम्हारे अंकल 15 साल पहले यहाँ से मिसिंग हो गए थे, और उनका कुछ पता भी नहीं चला था, फिर आज अचानक कैसे, और वो भी इतनी रात को? आखिर बात क्या है, तुम ऐसे क्यों छुपते फिर रहे हो? No, my son, मैं किसी से छुपता हुआ नहीं फिर रहा हूं। मैं किसी को ढूंढ रहा हूं, किसी की तलाश कर रहा हूं मैं। जुली, मुझे तो इस पर शक हो रहा है, ये जो सारे मर्डर हो रहे हैं किसी ने तो नहीं किए। क्या कह रहे हो एंथनी? ये मेरे अंकल हैं, ये प्रोफेसर, कोई अनपढ़ गवार नहीं। Yes, my son. मैं एक प्रोफेसर था, लेकिन लेकिन क्या अंकल? टेल मी अंकल। बेटी, बात 15 साल पहले की है, जब हम कुछ स्टूडेंट यहाँ रिसर्च के लिए आए थे। मेरे साथ तुम्हारी होने वाली आंटी मैरी भी थी। मैरी, वो चांदनी रात में कभी नहीं भूल सकता। उस चांदनी रात में मैं और मैरी बाहर गार्डन में बैठे थे, प्यार भरी बातें कर रहे थे। अचानक अंदर से शोरगुल सुनाई दी। हम अंदर गए, अंदर जो देखा। चला
डालें, ये क्या हो रहा है? हम लोग यहाँ रिसर्च के लिए आए थे, लेकिन तुम लोग अय्याशी में डूबे हो। पढ़ाई छोड़कर, रिसर्च छोड़कर तुम लोग एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर रूम में पड़े रहते हो, हैं? इसीलिए तुम्हारे माँ बाप पैसा खर्च करके तुम्हें पढ़ा रहे हो। बहुत खूब, तुम ही देश का भविष्य हो, हैं? यही सिखाते हम तुम्हें पढ़ाई में? अरे कुछ शर्म करो, डूब मरो चिल्लू भर पानी में। तुम्हारे माँ बाप का पैसा फालतू आता है, हैं? क्या सोचकर, क्या सोचकर? अरे तुम तो हमारी सबसे काबिल स्टूडेंट थी। नजरें मत झुकाओ, क्या कर रही थी तुम रूम में? और तुम सलीम, बहुत खूब, तुम्हारा बाप तो रिक्शा चलाता है ना? पढ़ाने के लिए पैसा कहां कहां से लाता है? और तुम तो पैसों की अक्ल नहीं है। तुम सब लोग क्या समझते अपने आप को? तुम लोग घर चलो, तुम्हारे पेरेंट्स से शिकायत करनी पड़ेगी। एक एक के घर आऊंगा मैं। इसने मुझ पे हाथ उठाया, जानता नहीं मुझे, अब इसको फंसाता हूँ। रुक, अभी पुलिस को फोन लगाते हैं। ये चल फोन लगा। पुलिस को मत बुला, मामला आगे क्यों बढ़ा रहे हो? करने की कोशिश कर रहा था। मैंने, झूठ बोल रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारी कसम मेरी, मैंने कुछ नहीं किया। ए, झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे हो इन पर? ए, टीचर हाथ मत लगाना, वरना बहुत महंगा पड़ेगा। मुझ पर हाथ उठाएगा? तेरी इतनी हिम्मत? क्या हुआ, क्यों शोर मचा रहे हो? सर, इसने मेरे साथ बलात्कार करने की कोशिश की। हवलदार, अरेस्ट करो इसको, लेके चलो इसको, और इस लड़की को भी साथ में लेके चलो रिपोर्ट दिखाने के लिए। चलो तुम भी चलो। साहब, इनको छोड़ दो, ये बेकसूर हैं, झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। हमने इनको मारा, इसी का बदला ले रहे हैं। ये सब कानून के हाथ में, कौन सच्चा कौन झूठा। ऑर्डर, लेके चलो इन सबको। छोड़ दो, छोड़ दो इनको, छोड़ दो साहब, छोड़ दो साहब, ये बेकसूर हैं साहब, ये बेकसूर हैं साहब। मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा के तुम्हें क्या मिलेगा? अगर मैं तुम्हें नहीं फंसाती तो तुम मुझे फंसा देते, और वैसे भी हम कोई काम अधूरा नहीं छोड़ते। अब देखना पीछे मैरी का हम लोग क्या हाल करते। गॉड तुमको कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा तुमको। तो प्यार करने वालों की जिंदगी बर्बाद कर दी। गॉड तुमको कभी माफ नहीं करेगा, तुम लोग भी चैन से नहीं रहोगे। अब जो भी बोलना जाके कोर्ट में बोलना, चल। रेप करने वालों की क्या हालत होती है अभी पता चलेगा। कमीनो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम लोगों ने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया। अरे क्या हुआ, हमें ना तीन। आज मैं तुम्हें इस लायक ही नहीं छोड़ूंगी। तो हम पे हाथ उठाती है, मेरी जान के हम कमिश्नर के बेटे हैं। चले लगा इसको ठिकाने लगा, चल। जल्दी कर रहे, गला पकड़ो अच्छे से, पकड़ो, दबा दबा जोर से दबा। चल चल जल्दी 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 चल 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 ठीक बस 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 पैकेज को नीचे। इस झूठे आरोप से मैं टूट चुका हूँ। मैंने 15 साल जेल में बिताए, किसी को नहीं बताया। आज मैं बाहर आया हूँ, तब से लेकर आज तक मैं मेरी को तलाश कर रहा हूँ। पता नहीं उन लोगों ने मेरे के साथ क्या किया होगा। पता नहीं वो जिंदा है भी या नहीं। नो नो मेरी, दिस इज माय सन, नो मेरी, नो नहीं। इन्हीं के वजह से मेरा प्यार मुझसे छीन गया। यहाँ पर जो भी आएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। मेरी प्लीज छोड़ दो इन्हें, इन्होंने तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। हमने भी उनका क्या बिगाड़ा था जिसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। इनके बाकी लोगों को मैंने ठिकाने लगा दिया है, अब इनकी बारी है। नो मेरी, प्लीज हमें छोड़ दो। प्लीज मेरी छोड़ दो इन्हें। हम यहाँ दोबारा कभी नहीं आएंगे, हमें माफ कर दो, हमें जाने दो प्लीज। मैं उन सब लोगों की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ जिन्होंने तुम्हारे साथ ये सलूक किया था। प्लीज हमें छोड़ दो। रिलैक्स जी, मेरी, चलो हम यहाँ से कहीं दूर निकल चले। अंकल, आप हमें छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? गॉड ब्लेस यू माय सन, बेटी खुश रहो। मेरी, आई लव यू मेरी।